मंगलौर विधानसभा से बीजेपी ने इस बार दिनेश पवार जी पर दांव खेला है। बात करेंगे दिनेश पवार जी से, आज नामांकन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं? देखिए, विकास का मुद्दा है मंगलौर में। मंगलौर पूरी तरह जब से उत्तराखंड बना बदहाली के पूरे चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जन जन को यह है कि वहां पर वो खुशहाली देखना चाहता है मंगलौर में, और इस बार अवश्य ही मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार बीजेपी ने जाट समाज को इग्नोर किया है, जाट समाज को उत्तराखंड में एक भी टिकट नहीं दिया गया, क्या कहें? ये केवल एक मीडिया का वो है, जाट समाज, गुजर समाज, चमार समाज, ये सब एक मीडिया का वो है। हमारे क्षेत्र में सब लोग एकजुट मिलकर रहते हैं, हम सब वहाँ पर एक साथ हैं, वहाँ पर कोई हमारे में कोई वर्ग भेद या नहीं है। और आप ऐसा कह रहे हैं, देखिए चौधरी अरुण जी हैं, चौधरी अरुण जी खेड़ा जट से हैं, मेरे प्रस्तावक चौधरी सुशील राठी जी हैं, सभी जाट समाज से हैं, त्यागी समाज भी हमारे पास, मुस्लिम समाज से भी ईमान जी भी हैं, सब लोग हैं सर। हमारा भारतीय जनता पार्टी कोई समाज भेद नहीं करता है, सबको साथ लेके चलता है। और मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमें विकास को देखना, हमें अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, तो हमें ये जातिगत उसमें नहीं जाना चाहिए। मंगलौर में आज तक कमल नहीं खिला जब से विधानसभा बनी है, इस बार अवश्य खिलेगा, पक्का खिलेगा, निश्चित तौर से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार मंगलौर में कमल खिलेगा। जिंदाबाद। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।